बताया जा रहा अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से तमिलनाडु का इस समय एक मामला काफी जोरों शोर से मीडिया हो या सोशल मीडिया हो सभी जगह अपना रखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहारी मजदूर हैं जो काम करने जाते हैं उनके साथ हिंदी भाषी जो बोलते हैं हत्याएं की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये तो सरासर गलत है। और तमिलनाडु कोई विदेश नहीं है जी, एक भारत का अंग है। जिस तरह से हमारे बिहार में अदर प्रदेश के लोगों को मान सम्मान के से लेकर के हम लोग देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, यहाँ भी हम लोग रोजगार देते हैं, उसी तरह से हमारे बिहारी भी रोजगार के लिए दूसरे जगह अगर जा रहे हैं हमारे बिहार वासियों, तो उन्हें कदर करना चाहिए। रात में भी मेरे पास फोन टेलीफोन आया था, वो अज्ञात फोन था, लेकिन जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल व्यक्ति कर रहा था, वो लड़का कर रहा था, एक भावुकता के रूप से कर रहा था कि हम कैसे कैसे देखिए छिप करके भाग निकल करके आए हुए हैं, हम फोन किए हैं, सर्च करके गूगल से सर्च करके निकाले हैं जी, हमें किसी तरह का मदद करवाइए। एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि बिहारी, तो क्या हिंदी भाषियों को वहां से भगाया जा रहा है कि बिहारियों को केवल टारगेट किया जा रहा है? खास करके हमारे बिहार के लोग हों, यूपी के लोग हों, ये हिंदी भाषी के लोग जी, और सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोग बेरोजगार हैं जी। तो बिहार के लोग तमिलनाडु के अलावा अदर प्रदेशों में ही रोजगार के लिए जाते हैं, और वैसी परिस्थिति में आज हमारे बिहारी मारे जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बिहारियों को जो हिंदी बोल रहा है उनको मारा पीटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, तो बहुत ही खेद का विषय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर हमारे बिहार में रोजगार मुहैया कराते तो आज हमारे बिहारियों की हत्या नहीं होती। तो मैं बिहार वासियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए, ये गाल बजाने वाली सरकार है, हमारी बिहारियों की इज्जत मान सम्मान के लिए मरने मिटने वाली नहीं है, और वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की घटना नहीं घट रही है। जबकि मैं कहना चाहूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जहां बिहारी निवास करते हैं, कल कारखाना कंपनी में काम करते हैं, वहां पता कीजिए ना भैया, उन लोगों से मिलिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। प्रशासनिक पदाधिकारी तो वहां के राजस्तरीय जो हों छुपाएंगे ही, लेकिन धरातल पर पता चलेगा हमारे बिहारी भाइयों से मुलाकात करने के बाद ही। कई लोगों ने कहा है कि ठाकरे युग की पुनरावृत्ति हो रही है तमिलनाडु में, तो ये क्या कहा जाएगा? जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारी बिहारियों के साथ हुआ, उसी तरह से तमिलनाडु में होना शुरू हो गया। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, इस तरह से रोज न्यूज आ रहा है कि हमारे साथ घटना घट रही है, हिंदी भाषियों के साथ घटना घट रही है, बिहारियों के साथ घटना घट, हमारे मुख्यमंत्री जी को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री गए वहां पर, केक काटे हैं, पार्टी सटी तो हुआ है, पार्टी मनाए, उनको बिहारियों के मान सम्मान की चिंता थोड़े है। अरे भाई, आप पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, आप वहां के बिहारियों से मिलिए ना, जहां बिहार के लोग हैं, हिंदी भाषी के लोग हैं, वहां ना उप मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए। ये तो पूरे देश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत का अपना एक मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हिंदी भाषी पूरे देश में बोलते हैं, और इस स्थिति में जिस तरीके से हमला हो रहा है, तो पूरे देश के लोगों को इस पर भी तो सोचना चाहिए, चिंता का विषय है पूरे देशवासियों को। एकदम जरूरी है, अगर इस तरह से होगा कि बिहार के लोग, हिंदी भाषी के लोग महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे, तमिलनाडु में नहीं जाएंगे, अदर प्रदेश में नहीं जाएंगे, तब तो गृह युद्ध टाइप का हो जाएगा ना जी। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस पे चिंतन मंथन कर रहे हैं, और इस पे भी कि वहां के पदाधिकारी से, हमारे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे भी संपर्क में लगे हुए हैं कि हमारी बिहारियों की इस तरह की घटना न हो, हमारी बिहारियों की हत्या न हो। हम लोग भी अगर इस तरह से हमारी बिहारियों की मान सम्मान और हत्या नहीं रुकती है, उन पर कोई कार्रवाई अगर गलत तरह की जा रही है, नहीं रोकथाम होगा, तो हम लोग भी यहाँ जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पे पूरा धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। एक सवाल और है मेरा, जो आपने बताया कि आपके पास कल रात फोन आया था, फोन कहाँ से था और किस भाषा में बात हुआ और किस स्थिति में बात हुआ था, ये बताइए। जिस व्यक्ति ने हमको फोन किया वो पूरा बताया कि हम रोहतास जिला के रहने वाले हैं, और भैया हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद हमेशा दुखियों का आंसू पोंछने का काम करते हैं, आप हमें मदद कीजिए। मैंने बताया कि आप लोकेशन दीजिए, वीडियो डालिए कि आप कहाँ हैं। उन्होंने खुद बताया कि मेरे आंखों के सामने दो लोगों की हत्या हो गई,
और सीधे पूछा जा रहा है कि तू हिंदी भाषी है या क्या है, तो अधिकांशता बिहारी हमारे हिंदी में ही बोलते हैं, भोजपुरी में ही बोलते हैं। यहाँ तक अमुक व्यक्ति ने बताया कि कंपनी द्वारा पैसा भी नहीं दिया जाता है, जितना दिन हम लोग काम किए कंपनी में पैसा भी नहीं दिया जाता है, और हम लोग किसी तरह से भूखे प्यासे दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। अगर रूम में बंद रह रहे हैं तो खाने पीने का अभाव हम लोग मर जाएंगे, बाहर निकल करके जा रहे हैं कहीं तो बाहर वाले वहाँ क्षेत्रीय लोग जो हैं तमिलनाडु के लोग वो मार डालेंगे। हमारी स्थिति बहुत भयावह है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से, मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, जितने लोग पदाधिकारी समकक्ष पदाधिकारी हैं, वे लोग संज्ञान ले, वहां जाएं और बिहारियों की दशा को देखें कि क्या स्थिति है और सुरक्षा मुहैया कराएं।